दोस्तों हमारे चैनल डिलीशियस प्लैनेट में आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि सीआरटी मॉनिटर को टीवी कैसे बनाते हैं। सीआरटी मॉनिटर को टीवी बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो ये है, सीआरटी मॉनिटर, सेटअप बॉक्स ऑफ टाटा स्काई और अदर विद रिमोट, एक्सटर्नल टीवी ट्यूनर और कम्बो विद रिमोट पावर सप्लाई एंड अदर एक्सेसरीज, स्विच बोर्ड विद 4-6 3 पिन सॉकेट, स्पीकर सिस्टम, पावर कनेक्शन एंड अदर एक्सेसरीज। हमारे पास सीआरटी मॉनिटर और बाकी चीज़ें हैं, सिर्फ टीवी ट्यूनर एक्सटर्नल कार्ड नहीं है। इस वक्त मैं भिवंडी की साई कंप्यूटर शॉप पर टीवी ट्यूनर खरीदने जा रहा हूँ। ये चाइना की कंपनी का टीवी ट्यूनर है जिसकी वारंटी 2 साल है। इसकी कीमत 1300 रुपये है। इसके साथ हमें मिलता है एक रिमोट 2 सेल के साथ, एक पावर एडाप्टर टीवी ट्यूनर जो कि एक्सटर्नल टीवी ट्यूनर है, उसके साथ में स्टैंड मिलता है टीवी ट्यूनर के साथ जो लगेगा, एक वीजीए केबल ऑडियो वीडियो केबल और इसके साथ में एक पीसी ऑडियो केबल भी है। ये तमाम एक्सेसरीज के अंदर आ गई। मैंने भिवंडी की साई कंप्यूटर शॉप से टीवी ट्यूनर खरीद लिया है। अब मैं अपने घर की तरफ वापस जा रहा हूँ ये तमाम एक्सेसरीज लेकर। इस बॉक्स को गौर से देखिए, इस पर बहुत सी मालूमात और हिदायत दी गई है। ये देखिए बॉक्स, आप इसके 4 व्यूज अलग अलग देख सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई दिख रही हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है। ये बॉक्स पर बताया गया है कि ट्यूनर के अंदर जो पिन है उसकी मालूमात यहाँ बताई गई है, कौन सी पिन को हम क्या कहते हैं वो आप इस पर पढ़ सकते हैं। और अब मैं इस बॉक्स को ओपन करने जा रहा हूँ। ये लीजिए, मैंने इस बॉक्स को ओपन कर दिया। इसके अंदर तमाम एक्सेसरीज जो हमने शॉप से ख़रीदी है वो मौजूद है। देखिए ये रिमोट है, मैं इसे प्लास्टिक में से निकाल रहा हूँ। ये रिमोट कुछ इस तरह का नज़र आता है। ये ओरिजिनल रिमोट है गेडमी का दिया हुआ, और ये मैनुअल है। इसमें मालूमात दी गई है कि कैसे इस ये ट्यूब ट्यूनर काम कैसे करता है, उसे कैसे अटैच करना है। ये है टीवी ट्यूनर, इसे आप देख लीजिए। इसमें अलग अलग पिन के लिए कनेक्शन दिए गए हैं। ये ऊपर बटन है, आप बटन गौर से देख सकते हैं। इसमें वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं, मेनू दिया गया है। ये देखिए पिन, ये ऑडियो वीडियो पिन है, और ये पिन है जिसमें जहाँ पर बहुत सारी पिन लगेगी। ये स्टैंड है जो जिस पर हमारा जो टीवी ट्यूनर का स्टैंड है। अब मैं इस टीवी ट्यूनर को इस स्टैंड पर लगा देता हूँ। ये देखिए ये इस पर फिक्स हो गया, इस पर मैं लगा रहा हूँ। इस तरीके से उसे लगाना है। देखिए ये इस तरह से लग गया है।
आप देख सकते हैं ये कैसे कैसे दिख रहा है। अब ये आसानी से खड़ा रह सकता है ये स्टैंड पर। ये पावर अडाप्टर है जो टीवी ट्यूनर के अंदर लगेगा। मैं इसे खोलता हूँ, इसका वायर थोड़ा लंबा कर लेते हैं। ये पीसी ऑडियो केबल है, जब पीसी में हम लगाते हैं तो उसकी ज़रूरत पड़ती है। कहीं पावर कनेक्शन अगर हमें कहीं वॉइस के लिए अगर हम इससे यूज़ करते हैं, वॉइस का डिवाइस लगाना होता है इसलिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ये ऑडियो वीडियो केबल है जिसमें 3 पिन है, येलो रेड एंड वाइट, और दोनों तरफ एक जैसी ही पिन है। ये सेल है जो हमें रिमोट पे लगाना होगा। इस सेल को मैं रिमोट पे लगाने जा रहा हूँ। इस तरीके से इसे लगाना है, देख लीजिए। ये सेल मैंने इसमें लगा दिया हूँ। अब ये रिमोट ट्यूनर का रिमोट जो है तो अब रेडी हो चुका है। ये अब आगे का प्रोसेस देखते हैं। अब मैं सीआरटी मॉनिटर की जो 15 पिन वाला जो हिस्सा है वो टीवी ट्यूनर के अंदर लगा रहा हूँ। उसे बहुत ध्यान से लगाना है पिन को मैच करके। अब मैं ऑडियो वीडियो जो केबल है वो लगा रहा हूँ, येलो को येलो में, वाइट को वाइट में, और रेड को रेड पिन में, जो ट्यूनर की पिन में ये चला गया। अब इसका दूसरा सिरा हमें सेटअप बॉक्स में लगाना है। सेटअप बॉक्स में भी वही सीक्वेंस है जो वहाँ था, या हम येलो में येलो कलर की पिन में येलो येलो लगा येलो पिन लगाएंगे, रेड में रेड, इस तरह से वाइट में वाइट पिन लगाएंगे। ये पावर कनेक्शन है जो हमें उस ट्यूनर को देना है। पावर अडाप्टर की एक पिन ट्यूनर के अंदर लगाएंगे, और पावर का जो कनेक्शन है वो सॉकेट में लगेगा। अब हम सबसे पहले हम ट्यूनर को ट्यूनर के रिमोट से ऑन करते हैं। ये देखिए ट्यूनर जो है उसकी जो लाइट है वो ऑन हो गई है और वो चालू हो चुका है, और दूसरा रिमोट जो कि टाटा स्काई के सेटअप बॉक्स का है उससे हम टाटा स्काई के सेटअप बॉक्स को ऑन करने जा रहे हैं। पहले हमें टीवी ट्यूनर के रिमोट से टीवी ट्यूनर को ऑन करना है, उसके बाद में टाटा स्काई के सेटअप बॉक्स के रिमोट से टाटा स्काई के सेटअप बॉक्स को ऑन करना है। ये देखिए
ये देखिए, अब ये टीवी जो है, जो सीआरटी मॉनिटर जो अब टीवी बन चुका है वो ऑन हो चुका है, लेकिन अभी भी कुछ सेटिंग्स बाकी है जिसकी तरफ आपको ध्यान देना है। टीवी ट्यूनर का जो रिमोट है उसके ऊपर एक बटन होता है जिस पर मोड लिखा है, और आसपास नेविगेशन की उसकी मदद से ऑडियो वाला जो सिस्टम है उसे उसकी जगह हमें टीवी सेलेक्ट करना होता है। जब जब आप वीडियो से आप टीवी सेलेक्ट करना है, टीवी सेलेक्ट करने के बाद में ये पूरा जो टीवी जो है वो ऑन हो जाएगा और टीवी आप अच्छी तरह से देख पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज जो हमने सीखा, जो कुछ भी मैंने बताया, उसकी मदद से आप सीआरटी या एलईडी मॉनिटर को टीवी कैसे बनाते हैं ये सीख चुके होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। हमारे चैनल पर आपको ऐसी ही हैरत अंगेज और दिलचस्प वीडियोस देखने को मिलेगी, इसलिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और हमारी नई वीडियोस के इमीडिएट नोटिफिकेशन के लिए प्लीज़ बेल बटन पर क्लिक कीजिए।